नमस्कार बच्चों, कल के वीडियो में हमने प्रकृति में पाए जाने वाले सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा यानी हीरे के बारे में हमने उसकी जो त्रिआयामी जो संरचना है उसके बारे में समझा था। बच्चों उसी क्रम में आज हम आगे चलते हैं और बात करते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिकों की। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन यौगिकों को समझना बेहद आवश्यक है। बच्चों जैसा कि हाइड्रोकार्बन यौगिकों का अर्थ होता है कि अगर इसका सदी विच्छेद हम कर दें तो दो भागों में यानी हाइड्रो प्लस कार्बन करें, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन, यानी इस तरह के यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। बच्चों ये जो हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं आप जानते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एल्केन टाइप के होते हैं और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं वो एल्किन और एल्काइन होते हैं। बच्चों इस बारे में हम विस्तृत रूप से अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। बच्चों ये हाइड्रोकार्बन यौगिक वैसे तो संतृप्त और असंतृप्त होते हैं, लेकिन अगर हम इनको दूसरी तरीके से कहें तो ये हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है एल्केन और दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। अगर बच्चों हम एल्केन के बारे में बात करें तो एल्केन जो होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+2, जहाँ के n जो है वो कार्बन की संख्या होती है। बच्चों वे हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएँ जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, वो एल्केन कहलाते हैं। बच्चों एल्केन का जो अनुलग्न है या जिसे हम पूर्व लग्न कहते हैं वो n होता है, एल्केन। तो एल्केन में आप देख रहे हैं कि इसका जो अनुलग्न है वो n है। जैसे कार्बन की संख्या अगर एक हो तो संरचना सूत्र CnH2n+2 में हम n=1 रखने पर देखें तो ये जो बनेगा, अगर n के स्थान पे हम एक रखते हैं तो CH4 बनेगा, जिसे बच्चों हम मैथेन बोलते हैं। बच्चों इसी तरीके से कार्बन की संख्या हम दो ले लें तो C2H6 यानी एथेन बनेगा। बच्चों अगर हम कार्बन की संख्या तीन ले लें तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि पहले मीथेन बना, उसके बाद एथेन, उसके बाद प्रोपेन, तो इस तरीके से बच्चों ये बनते चले जाएंगे, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो बच्चों इस तरीके से जैसे जैसे आप n का मान बढ़ाते जाएंगे और ये बनते चले जाते हैं। तो इसमें आपने देखा कि इनका जो अनुलग्न है यानी पूर्व लग्न है वो n होता है और उसी से इसके नाम मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन इत्यादि होते चले जाते हैं। मैंने नोट्स में दो उदाहरण आपको दिए हैं, मैथेन का और एथेन का। तो बच्चों ये हमने बात की एल्केन की। इसमें से एक छोटा सा प्रश्न ये बनता है कि एल्केन के सामान्य सूत्र यानी एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रहना चाहिए CnH2n+2। ये एक नंबर का प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी खूब पूछा जाता है। बच्चों ये भी पूछा जा सकता है कि जो एल्केन है वो संतृप्त है या असंतृप्त है, तो बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एल्केन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो बच्चों इन्हीं में से छोटे छोटे बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिनको हमें ध्यान से समझना है।
बच्चों अब हम एल्कीन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों जो एल्कीन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। बच्चों इनका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n होता है, जहां n कार्बन की संख्या होती है। बच्चों वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, कहने का अभिप्राय ये है कि कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा यानी द्विबंध के द्वारा जुड़ा होता है। लेकिन ऐसा ये आवश्यक भी नहीं है कि श्रृंखला में प्रत्येक कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ा हो, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसा भी हो सकता है कि केवल दो कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड हो तो भी हाइड्रोकार्बन एल्कीन श्रेणी में ही आएगा। बच्चों सबसे छोटी एल्कीन एथीन होती है, इससे छोटी संभव नहीं होती, क्योंकि दो कार्बन से कम हाइड्रोकार्बन में द्विबंध संभव नहीं होता। बच्चों एल्कीन जो है वो सबसे छोटी एल्कीन की अगर हम बात करें तो एथीन होती है, क्योंकि इससे छोटी एथीन संभव नहीं है, छोटी एल्कीन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि दो कार्बन से कम हाइड्रोकार्बन में द्विबंध संभव नहीं है। तो बच्चों एथीन का जो अनुलग्न है वो ईन होता है। जैसे हम इसका संधि विच्छेद करें तो एथ धन ईन अर्थात एथीन। तो बच्चों इसमें एन का मान हम दो रखेंगे। तो संरचना सूत्र CnH2n में अगर हम एन बराबर दो रखेंगे तो बच्चों हमको C2H4 प्राप्त होगा। बच्चों इस जिसे हम एथीन कहते हैं। तो बच्चों ये CnH2n ये सामान्य सूत्र है एल्कीन का। ये भी एक बहुविकल्पीय प्रश्न है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, आपको चार दे दिए जाए उनमें से पूछा जाए कि बताइए कौन सा सही है, तो एल्कीन यानी CnH2n ये होता है इनका सामान्य सूत्र। और लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी साधारण रूप से भी ये पूछ लिया जाता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखिए, तो आपको वहाँ उत्तर में लिखना होगा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। बच्चों इसी क्रम में अब हम यदि एल्काइन की बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एल्कीन और एल्काइन ये दोनों ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो बच्चों जो एल्काइन है ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इनका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n-2 होता है। बच्चों ध्यान रहे कि आपने आज एल्कीन एल्कीन और एल्काइन इन तीनों को आप समझ रहे हैं, तीनों के सामान्य सूत्र आपके सम्मुख आए हैं, जिसमें सबसे पहले एल्कीन का जो सामान्य सूत्र था वो CnH2n+2 था। उसके बाद में दूसरा एल्कीन का जो सामान्य सूत्र था वो CnH2n था और अब हम बात कर रहे हैं एल्काइन की, तो इनका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n-2 है। बच्चों ये तीनों के सामान्य सूत्र आपको अनिवार्य रूप से याद होने चाहिए। आप ये मान के चल सकते हैं कि इन तीनों में से किसी न किसी का सामान्य सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। बच्चों वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में त्रिबंध होता है, जिसे हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। बच्चों एल्काइन का अनुलग्न आयन होता है, एल्काइन। बच्चों दो कार्बन की जो एल्काइन है, जैसे एथ प्लस आयन तो बन जाएगा एथाइन। यहां बच्चों एन बराबर हम दो रखें तो आप देखेंगे कि CnH2n-2 से हमको C2H2 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों आपने एल्कीन एल्कीन
और एल्काइन के बारे में समझा। बच्चों यूं तो इसके बारे में बहुत कुछ समझा जा सकता है विस्तृत रूप से, लेकिन कक्षा 10 के हिसाब से हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में आज हम इतना समझेंगे और उसके बाद बच्चों इससे आगे चलेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में। बच्चों अगला हेडिंग लेते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि कार्बन हमारे शरीर में, लकड़ी में, पेट्रोलियम पदार्थों में, इन सभी में पाया जाने वाला एक प्रमुख तत्व है। हमने अब तक इसमें ये दो बड़े कारक देखे हैं और वो दो जो बड़े कारक हैं उनमें से पहला कारक अगर हम समझें तो बच्चों कार्बन तत्व में परमाणुओं के साथ बंध बनाने की एक अद्वितीय क्षमता होती है। बच्चों जैसा कि हम पीछे से अभी समझते हुए आ रहे हैं कि हमने देखा कि कार्बन तत्व के जो परमाणु हैं वो आपस में बंध बनाते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। ये जो बॉन्डिंग करने की जो क्षमता है ये कार्बन तत्वों के परमाणुओं में पाई जाती है, इसके कारण बड़ी संख्या में अणु बन जाते हैं। तो बच्चों इसी गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन मीन्स एक श्रृंखला में जुड़ जाना। बच्चों कार्बन तत्व में परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता पाई जाती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं और इस गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की जो लंबी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं ये साखित अथवा तो बलय के रूप में हो सकती हैं। बच्चों अगर हम दूसरे बिंदु के बारे में चर्चा करें, दूसरे कारक के बारे में चर्चा करें, तो बच्चों श्रृंखला में कार्बन परमाणु एकल बंद, द्विबंद अथवा तो त्रिबंद यानी सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड अथवा तो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हो सकते हैं और इस आधार पर ये जो कार्बनिक यौगिक हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि अभी हम समझते हुए आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वो संतृप्त यौगिक होते हैं और दूसरे असंतृप्त यौगिक होते हैं। तो बच्चों पहला टॉपिक हम लें संतृप्त यौगिकों के बारे में। तो बच्चों वह श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसी जो यौगिक होते हैं वो संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, जैसे मीथेन का बनना, एथेन का बनना, प्रोपेन का बनना। और मैंने दो उदाहरण के रूप में नोट्स में नीचे दिखाया भी है कि किस तरीके से कार्बन के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है। तो मीथेन और एथेन यानी CH4 और C2H6 मीथेन और एथेन दोनों की बॉन्डिंग को आप नीचे देख सकते हैं। बच्चों इस तरीके से अब हम अगला टॉपिक असंतृप्त यौगिक लेंगे। अब टॉपिक लेते हैं बच्चों असंतृप्त यौगिक। तो वह श्रृंखला जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य में द्विबंध अथवा तो त्रिबंध उपस्थित होता है असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, जैसे कि एथीन C2H4 में कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध होता है। बच्चों एथाइन C2H2 आप देखें नीचे नोट्स में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। बच्चों अगला हम टॉपिक लेके चलेंगे कि हाइड्रोकार्बन किन यौगिकों को कहा जाता है। मैं अभी पूर्व में आपको ये बता चुका हूँ कि हाइड्रोकार्बन किन यौगिकों को कहा जाता है, एक बार हम पुनः इसको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। मैंने शुरू में आज ही आपको अभी समझाया था कि अगर हम हाइड्रोकार्बन का संधि विच्छेद कर दें तो हाइड्रो प्लस कार्बन
हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर के जो यौगिक बनते हैं वो सभी हाइड्रोकार्बन यौगिक कहे जाते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं बच्चों, संतृप्त और असंतृप्त यौगिक। जैसा कि अभी संतृप्त और असंतृप्त के बारे में हम समझ चुके हैं बच्चों, अब हम चलते हैं एल्कोहलों के नामकरण कैसे करते हैं इस बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि एल्कोहलों का नामकरण कैसे किया जाता है। बच्चों एल्केन के अंग्रेजी भाषा में नाम के सिरे पर जो ई स्थित होता है, अगर उसे अब हटा दें और उसके स्थान पर ऑल लगा दें तो हम देखेंगे कि संगत एल्कोहल का नाम हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे बच्चों मेथेन यानी CH4 के एक हाइड्रोजन को अगर हम हाइड्रोक्सिल समूह OH के द्वारा प्रतिस्थापित करने से हमको मेथेनॉल CH3OH प्राप्त होता है। तो बच्चों इस तरीके से हम एल्कोहलों का नामकरण कर सकते हैं। और इसी क्रम में बच्चों हम आगे बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में, लेकिन बच्चों आज के लिए इतना ही मैं समझता हूँ काफ़ी है। और इनको आप भली भांति वीडियोज के द्वारा सुनेंगे और अपनी फेयर कॉपी में उतारेंगे बच्चों। बार बार वीडियोज को सुनने से, बार बार वीडियोज को समझने से वो चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। और रिवीजन के लिए भी आप वीडियो को खोलें और उसको ध्यान से सुने तो आप देखेंगे कि आपको ये सारे टॉपिक अपने आप याद होते चले जाएंगे। बच्चों रोज़ाना का काम आप रोज़ाना कीजिए, नहीं तो आपका काम बहुत पीछे रह जाएगा और आप याद नहीं कर पाएंगे। बच्चों ये जो वीडियोज़ के द्वारा आप पढ़ रहे हैं ये एक बहुत अच्छी विधा है और ये भविष्य में आपके बहुत काम आने वाली विधा है। और मैं चाहता हूँ कि मोबाइल के द्वारा आप पढ़ाई के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं। तो आपको अपनी आदत में ये डालना चाहिए कि आप जो वीडियोज़ हैं रसायन विज्ञान की, इनको बार बार आप देखें और समझें। बच्चों मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों में से अभी बहुत से बच्चों ने जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। बच्चों चूँकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसलिए आपकी अटेंडेंस मेरे यहाँ नहीं लग रही है, जिसको हम ये मानेंगे कि आप मेरे वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं। जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अपने आप ही आपकी हाजिरी समझ लीजिए लग गई, क्योंकि पूरी डिटेल हमारे पास आ जाती हैं कि किन किन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब किया है। और सब्सक्राइब करते ही हमको ये पता लग जाता है कि आपने वीडियो को कितनी देर देखा है, यानी किस बच्चे ने किस वीडियो को कितने समय तक देखा है, कितनी बार देखा है, ये सारी डिटेल हमारे पास अपने आप आ जाती हैं, जिससे हमको ये पता लग जाता है कि आप कितनी पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप निश्चित रूप से मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और आज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप इन वीडियो को 10-10 बार सुनिए ध्यान से, आपको ये सब अपने आप याद होते चले जाएंगे। तो नमस्कार बच्चों।